मुंशी राम जी जैन, श्रीमती प्रकाशवंती जी जैन, इनकी आप सपुत्री थी, तथा लाला नगीनर लाल जी, श्रीमती राम प्यारी जी, जो कि सियालकोट के पाकिस्तान विभाजन के बाद जलंधर में आके रहने लगे, उनकी पुत्र वधु थे। आपके पति देव श्री चंद जी श्री महावीर जैन भवन की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में, तथा श्री आपके सपुत्र श्री राकेश जी श्री पार्वती जैन स्कूल की कमेटी के सदस्य, तथा सबसे छोटे सपुत्र श्री संजीव जी युवा संस्थाओं के अग्रणी सदस्य रहकर अपनी अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं। कुछ दिन पहले जब जहां पर श्रमण संघीय सलाहकार श्री तारक ऋषि जी महाराज थाने साथ का आजकल चतुर्मास चल रहा है, इस चतुर्मास में प्रतिदिन अखंड जाप हो रहा है। कुछ दिन पहले ही श्रीमती कमलेश रानी जी अपने पति देव के साथ इनके परिवार की ओर से रमेश जी द्वारा अखंड पाठ हो रहा था, वे इसमें अपना ड्यूटी देने के लिए वहां आई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हमें क्या पता था कि कुछ दिन बाद ये संसार से अपनी विदाई ले लेंगी। इस दुख की घड़ी में जो भी परिवार के संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। मेरी तरफ प्रार्थना है कि जो भी बाहर से पधारे हैं, उन सबके भोजन का प्रबंध ऊपर निर्मल भाव में किया गया है, सभी भोजन अवश्य ग्रहण करके जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप रसम पकड़ी होगी, सर्वप्रथम हम पांच बार सम्मिलित महामंत्र उद्गार का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद श्रीमती सुदेश रानी शांति पाठ का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद रसम पकड़ी होगी। Thank you.
Thank you.
अमित रूप से मेरी भावना का उच्चारण करेंगे। Thank you.
छोटी पुत्र वधु तथा श्री श्री चंद जी की धर्म पत्नी श्रीमती कमलेश रानी जी के निधन पर हो रही है। आप एक गुरु और धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा आस्था रखने वाले तथा सरल समाज में हर कार्य में पूर्ण से जोग दे रहा है। आपके तीन बेटे श्री विपन जी लुधियाना में तथा राकेश जी व संजीव जी जलंधर में रहते हैं। आपने अपने बच्चों को उत्तम संस्कार देकर समाज सेवा एवं धर्म के प्रति श्रद्धा की प्रेरणा दी। आप जलंधर की बेटी भी हैं और जलंधर की पुत्र वधू भी। जलंधर निवासी लाला मुंशी राम जी जैन श्रीमती प्रकाशवंती जी जैन इनकी आप सपुत्री थी तथा लाला नगीनर लाल जी श्रीमती राम प्यारी जी जो कि सियालकोट के पाकिस्तान विभाजन के बाद जलंधर में आके रहने लगे उनकी पुत्र वधू थी। आपके पति देव श्री चंद जी श्री महावीर जैन भवन की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में तथा श्री आपके सपुत्र श्री राकेश जी श्री पार्वती जैन स्कूल की कमेटी के सदस्य तथा सबसे छोटे सपुत्र श्री संजीव जी युवा संस्थाओं के अग्रणी सदस्य रहकर अपनी अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं। कुछ दिन पहले जब जहां पर श्रमण संघीय सलाहकार श्री तारक ऋषि जी महाराज थाने साथ का आजकल चतुर्मास चल रहा है, इस चतुर्मास में प्रतिदिन अखंड जाप हो रहा है। कुछ दिन पहले ही श्रीमती कमलेश रानी जी अपने पति देव के साथ इनकी परिवार इनके परिवार की ओर से रमेश जी द्वारा अखंड पाठ हो रहा था। वे इसमें अपना ड्यूटी देने के लिए वहां आई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हमें क्या पता था कि कुछ दिन बाद ये संसार से अपनी विदाई ले लेंगे। सोसाइटी बनी हुई है जिसके प्रधान श्री रवि कांत जी हैं तथा इनके श्रीमती कमलेश रानी जी के छोटे सपुत्र श्री संजीव जी के महामंत्री हैं। इस सोसाइटी ने परिवार को संवेदना संदेश भेजा है। श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी जिसके प्रधान श्री अशोक जी एवं महामंत्री श्री पविंदर जी हैं, प्राचीन भगवान श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर बैरोवाल जिला तरन तारण, श्री दादी गोपी जैन नैनी कमेटी के अंदर, श्री जैन कॉलोनी उपाचरा सोसाइटी जलंधर, इन सभी सोसाइटियों ने इस परिवार को संवेदना संदेश भेजा है जहां पर विराजित श्रमण संघीय सभा का उपप्रवर्तक नवकार साधक श्री तारक ऋषि जी महाराज थानी साहब तथा हुशियारपुर में विराजित परम विदुषी आगम ज्ञाता पर्वत परिवार को अपना संवेदना संदेश
सभी धर्मपुत्रों को या जैन आज की ये शोक सभा श्रद्धांजलि सभा जनता श्री संघ के धर्मनिष्ठ सुप्रतिष्ठित जिन शासक को समर्पित दादा श्री नवीन चंद जी शाहपुर बाग के परिवार की एवं श्री श्री चंद की धर्मपत्नी सुश्राविका श्रीमती कमलेश रानी जी के निधन पर अपने श्रद्धा सम्मान अर्पित करने के लिए हो रही है। आप बहुत ही सरल शांत निरंसार कर्म ध्यान में लीन रहने वाली देव गुरु धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित एक आस्थावान सुश्राविका आप बिना भेदभाव साधु की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपने अपने जीवन काल में कई धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और काम करवाया। आप समाज सेवा में भी हर समय तत्पर रहते हैं। श्री महावीर जैन चैरिटेबल फंड वेलफेयर सोसाइटी को भी आपका चैरिटी एवं सामाजिक कार्यों में संपूर्ण सहयोग मिलता रहा है। आपने आपकी अपने पूर्वजों के प्रति भी अटूट श्रद्धा है। आपने अपने परिवार को भी धर्म संदेश दिया आपका परिवार आज समाज का आगेमान परिवार है। पूर्वजों के संस्कार से पंडित आपके परिवार के सभी सदस्य संघ समाज एवं धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आपके सुपुत्र श्री रूपन जैन के जैन एवं संजीव जैन समाज की अग्रणी संस्थाओं में अग्रणी पदों पर रहकर सेवाएं दे रहे हैं। श्री महावीर जैन चैरिटेबल एंड वेलफेयर सोसाइटी में आपके सुपुत्र संजीव जी वेलफेयर इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री महावीर जैन चैरिटेबल द्वारा लगाए गए आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन कैंप में उनका अविस्मरणीय सहयोग रहा है। चैरिटी एवं समाज के कार्यों में संजीव जी का हमेशा तन मन धन से सहयोग रहता है। बच्चों से माँ बाप की सुनना एक असहनीय होता है परंतु दाता के कारण के समुख नतमस्तक होना पड़ता है। आपके निधन से संघ समाज और परिवार को एक बहुत बड़ी क्षति हुई। अतः मैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से तथा श्री महावीर जैन चैरिटेबल एडवेंचर सोसाइटी के प्रधान श्री पुनीत जी वाली तथा समस्त सदस्यों सक्षम गणों की ओर से तथा श्री बाबा कानंदास जी महानी कुमार के प्रधान जैन भारत श्री गुरुमत प्रकाश जी की ओर से एवं समस्त सदस्य की ओर से एवं सक्षम गणों की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा शासन के प्रमाण भाग से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति। विजय बल्लभ जैन सेना उत्तरी भारत की ओर से श्री जी प्रचैन जो कि जहाँ हरियाणा से जहाँ बताए हैं वे इस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कितना भी भरा हुआ परिवार हो,
कितने ही वैद्य और डॉक्टर उसके आसपास हों, उसे निश्चित रूप से इस संसार से विदा होना ही होगा। यह एक शाश्वत सत्य है, अथवा इसे हम कहें कि यह हमारे कर्म है। किसी भी रूप में हम इसे ले सकते हैं, परंतु परमात्मा की वाणी में, गुरुओं की वाणी में, शास्त्रों के अंदर में, लिखित रूप में भी हम पढ़ते हैं कि इस संसार के अंदर में आने के पश्चात जीवन उसी का धन्य है जिसने अपने जीवन के अंदर में देव गुरु और धर्म की वाणी को समाहित किया। निश्चित चय के रूप में ही नहीं, अपितु व्यवहार के रूप में भी अपना जीवन धर्म में जिया, और निश्चित रूप में ऐसे प्राणी के जो परमात्मा ने कहा है कि उसका जीवन भी सफल है और उसकी मृत्यु भी सफल है। हमारा ये प्रथम और शायद अंतिम उद्देश्य प्रत्येक जीवात्मा का अगर कोई है तो वह जिन वाणी के संबंध परमात्मा के वचन है कि प्रत्येक जीवात्मा का अगर कोई अंतिम लक्ष्य है तो वह मात्र और मात्र अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से, क्योंकि मेरा पारिवारिक संबंध भी मेरे पिताजी की बहन, मेरे पिताजी की मौसी की बेटी, मेरे बुआ जी भी, निश्चित रूप से सामाजिक रूप से ये बात कहने अवश्य हो जाती है कि जिस प्रकार से उस जीवात्मा ने अपना जीवन जिया है तो ये बात निश्चित है कि उन्होंने अपने कर्मों की महत्व रखी, और यही निशासन वेद से प्रमाणित रहेंगे कि आने वाले समय के अंदर में निश्चित रूप से उनका जीवात्मा अपने कर्मों का क्षय करता हुआ मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला बने। मैं दुर्घना शेर संघ श्री आत्मान जय सभा होने के नाते हमारे अध्यक्ष महोदय श्री महाभूषण जी भारती, महामंत्री सुधीर जी दुग्गड़ एवं समस्त कार्यकारिणी की तरफ से और विजय तरफ सेना उत्तरी भारत रजिस्टर का महामंत्री होने के नाते हमारे अध्यक्ष विशाल जैन जी और हमारी समस्त कार्यकारिणी जिसमें लुधियाना जलंधर और जलंधर के हमारे विजय तरफ सेना के कार्यकर्ता भाई वीर जी, भाई दीपक जी, उन सभी की ओर से भी दिवंगत जीवात्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इसके साथ साथ लुधियाना शेर संघ के अंतर्गत आने वाले समस्त श्रावक श्राविका मंडलों की ओर से और आत्मा नगर श्रमों का गुरुकुल जो कि लुधियाना के अंदर स्थित है उनके समस्त पदाधिकारियों की ओर से पुनः पुनः दिवंगत जीवात्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और पुनः शिक्षा संघ से भी प्रार्थना करूँगा कि उनका जीवात्मा जहाँ पर भी हो निश्चित रूप से मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला बने। और इसके साथ साथ अपना परिवार नारोला जैन परिवार संगठन की ओर से लुधियाना और जलंधर समस्त परिवार की ओर से, और उसके साथ साथ स्वयं अपना परिवार लाला हीरालाल जी, रोशनलाल जी, ओम प्रकाश जैन गुर्जर परिवार की ओर से, और उसके साथ साथ जो मेरे पिताजी का नान का परिवार है श्री जगन्नाथ जी, शांतिलाल जी, राजमान जी, शोभनलाल जी, विमल प्रकाश जी जैन परिवार, उस परिवार की ओर से भी बड़े परिवार, उस परिवार की ओर से भी मैं पुनः पुनः दिवंगत जीवात्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता और परिवार के प्रति हार्दिक हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए पुनः परमपिता परमात्मा से यही जिस प्रकार से अपने जीवन के अंदर में उन्होंने धर्म का प्रकाश किया और अपने कर्मों के निर्जरा की, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए उनका जीवात्मा मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपने ओम शांति।
में श्रीमती कमलेश रानी जी की याद में विभिन्न विभिन्न संस्थाओं को दान राशि निकाली है। मैं उन संस्थाओं के नाम बोल रहा हूँ, जो भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हो वो परिवार से दान का लिवा ले जा सकता है। ऐसा जैन सभा रजिस्टर गुड़ मंडी के अंदर स्वामी शुक्लचंद जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल, श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी, जैन मंडी जलंधर, जैन मंडी बैरोवास, श्री जैन महिला संघ, जैन गादिया परिवार जलंधर, श्री दादी वीरो जैन धर्मशाला लुधियाना, श्री दादी वीरो जैन शिरावका मंडल लुधियाना, श्री जैन नवयुवती मंडल जलंधर, श्री महावीर जैन युवक मंडल जलंधर, श्री महावीर जैन चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी जलंधर, जैन मिलन जलंधर, जैन जन कल्याण सभा जलंधर, शिव मंदिर राजनगर, गुरुद्वारा साहब राजनगर जलंधर, श्री देवी कला मंदिर जलंधर, शीतला मंदिर जलंधर जलंधर, गौशाला जलंधर, पुष्पाश्रम जलंधर, पिंगरवाला जलंधर, पक्षी विहार, काला सिंधिया रोड जलंधर, अपाल आश्रम जलंधर, सेवादार एस एच जैन सभा, सेवादार महावीर जैन भवन, विमल विवेक पत्रिका जलंधर, त्रिपुमाली मंदिर देवी तला जलंधर। इस दुखद वेला में परिवार के साथ जो भी परिवार को संवेदना प्रकट करने जहां पर उपस्थित हुए हैं, परिवार की ओर से श्री विकास जैन, सुपुत्र श्री अशोक जैन, वो परिवार की ओर से उन सभी का आभार प्रकट हुए। श्री विकास जी नमस्कार। महावीर इस दुख की घड़ी में जो भी परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। मेरी तरफ प्रार्थना है कि जो भी बाहर से पधारे हैं उन सबके भोजन का प्रबंध ऊपर निर्मल भाव में किया गया है, सभी भोजन अवश्य ग्रहण करके जाए। धन्यवाद। जय हिंद। सर्वप्रथम हम पांच बार सम्मिलित महामंत्र उद्धार का उच्चारण करेंगे और उसके बाद श्रीमती सुदेश रानी शांति पाठ का उच्चारण करेंगे और उसके बाद रसम पकड़ी होगी। No.
Yang sudah,
भगवान नाम स्मरण के आते ही स्तुति का उच्चारण करेंगे। जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु Oh.
समझ में।